Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. Today I am going to show you how I clean my microwave oven. As you can see, it's very greasy and grimy and needs a lot of cleaning. So let's get started. तो सबसे पहले तो आपको सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि घर में अवेलेबल होते ही हैं। एक आपने लेना है वाइट विनेगर और एक आपने लेना है पानी। आप दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके किसी भी माइक्रोवेव सेफ बोल में रख के माइक्रोवेव को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फुल पावर पे ऑन कर दें। नाउ आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि माइक्रोवेव की वॉल्स और बेस जो है वो कितनी गंदी हुई हुई है, बहुत ज़्यादा ग्रीस और ऑयल जमा है। इसी वजह से मैं इसकी वीडियो बनाना चाहती थी ताकि साथ ही जो है मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूँ कि ये किस तरह से साफ़ होगा और किस लेवल की डर्ट के लिए किस किस किस्म के इन्ग्रीडियंट्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। नाउ आई एम स्टार्टिंग माई माइक्रोवेव ऑन फुल पावर फॉर ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स। अच्छा, व्हेन माइक्रोवेव्स टाइमर गोज ऑफ, इवन देन उसके बाद भी आप 5 से 10 मिनट माइक्रोवेव को बंद ही रहने दें, बिकॉज इट रियली हेल्प्स इन मेल्टिंग ऑल द डर्ट एंड ग्राइम और थोड़ा सा जो है ना वो आपके लिए आसान हो जाता है बाद में साफ़ करना। देन आई टुक अ डस्टिंग क्लॉथ और मैंने उसको उसी सोल्यूशन में डिप किया जो कि हमने माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए रखा था। उसको डिप करके थोड़ा सा स्क्वीज करके मैंने माइक्रोवेव के दरवाजे को सबसे पहले साफ़ करना शुरू किया। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू रिमूव द माइक्रोवेव ट्रे ताकि हम अंदर से माइक्रोवेव की अच्छी तरह से क्लीनिंग करें। एज यू कैन सी माइक्रोवेव काफ़ी हद तक साफ हो ही चुका है, बट स्टिल इट वॉज नॉट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। तो उसके लिए मैंने यूज़ किया एस्टॉनिश स्पेशलिस्ट एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ ग्रीस लिफ्टर। माइक्रोवेव में स्प्रे करके मैंने तकरीबन 10 मिनट उसको छोड़ दिया और उसके बाद एक सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला टूथब्रश लेके जो ऑयल के और ग्रीस के दाग थे उनको सॉफ्टली मैंने रब किया। अच्छा, मेरा माइक्रोवेव ओवन क्योंकि कन्वेक्शन ओवन भी है और इसके अंदर एयर फ्राइंग फीचर्स भी हैं तो इसकी अंदर से मेटल बॉडी है, इसलिए इसको ब्रश से क्लीन करना काफ़ी आसान है। लेकिन अगर आप लोगों का माइक्रोवेव मेटल का नहीं है तो फिर आपको ब्रश यूज़ करते हुए काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा। सो आफ्टर रिमूविंग ऑल द स्टेन्स यूजिंग द ब्रश, मैंने उसके बाद एक ड्राई कपड़े से माइक्रोवेव को अच्छी तरह से वाइप ऑफ कर लिया। सो आफ्टर दिस होल ट्रीटमेंट यू कैन सी कि माइक्रोवेव कैसे चमक उठाए, तमाम दाग धब्बे जो है वो यहाँ से दूर हो चुके हैं और बिल्कुल जो है ना प्रॉपर रिफ्लेक्शन आ रही है इसमें हर चीज़ की। सो दिस वॉज माई वे ऑफ क्लीनिंग माई माइक्रोवेव ओवन। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपके पास कोई और टिप्स हैं तो डू शेयर इन कमेंट्स सो दैट इट कैन हेल्प मी एंड ऑल माई अदर फॉलोअर्स। खुदा हाफिज़।